हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। चैत्र नवरात्र 2020 अष्टमी महासंयोग दुर्गा पूजा विधि कन्या पूजन सावधानियां। साल 2020 में चैत्र नवरात्रों की शुरुआत 25 मार्च से हुई है। मां दुर्गा को समर्पित यह पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रों में अष्टमी तिथि के दिन देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। ज्योतिष व शास्त्रों की माने तो इस बार अष्टमी तिथि के दिन बेहद खास संयोग बन रहा है, जिस कारण इस महायोग में की गई पूजा बेहद फलदायी और मनोकामना पूरी करने वाली होगी। आज हम आपको साल 2020 चैत्र नवरात्रि महाअष्टमी शुभ योग और इस शुभ योग में की जाने वाली पूजा विधि व कन्या पूजन के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि अष्टमी महासंयोग 2020। साल 2020 में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 1 अप्रैल बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों की यदि माने तो इस बार अष्टमी तिथि के दिन बुधवार का खूबसूरत संयोग बनेगा, जिस कारण यदि आज के दिन माता महागौरी के साथ ही भगवान गणेश जी की आराधना भी की जाए तो यह बहुत ही पुण्यकारी संयोग होगा, जो भक्तों की हर मनोकामना पूरी करेगा। अष्टमी पूजा सामग्री। नवरात्रि अष्टमी पूजा सामग्री के रूप में आपको चावल, कुमकुम, दीपक, धूपबत्ती, दूध, दही, घी, शहद, मिठाई, जल, श्री गणेश जी और देवी दुर्गा की प्रतिमाएं और उनके लिए वस्त्र आभूषण, फूल, पान सुपारी, भोग के लिए मोदक के लड्डू, सिंदूर, इत्र, दुर्वा, कपूर, नारियल आदि चीजें चाहिए। नवरात्रि अष्टमी पूजा विधि। माता महागौरी परम कल्याणकारी और मंगलकारी हैं। ये ममता की मूरत हैं, जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आज के दिन स्नान आदि के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ कर दुर्गा माँ और गणेश जी की प्रतिमा चौकी पर स्थापित कर उनका व सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी पूजन सामग्री अर्पित करें और वस्त्र आभूषण से उन्हें सुशोभित करें। अब धूप दीप जलाकर आरती और परिक्रमा करें। इसके बाद श्री गणेश जी को मोदक व माता महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। साथ ही गणेश जी के मंत्र श्री गणेशाय नमः और दुर्गा जी के मंत्र दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में प्रसाद वितरण करें। अब बात करते हैं कन्या पूजन सावधानियां। यदि संभव हो तो कन्या पूजन करते समय कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि बालक को बटुक, भैरव और लांगुर के रूप में पूजा जाता है। कन्या पूजन के दौरान कोशिश करें कि 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं को घर पर बुलाने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। कन्या पूजन कराते समय घर का माहौल शांतिपूर्ण रखना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह के कलेश से बचना चाहिए। इस तरह कन्या पूजन के समय बरती गई सावधानियां और विधि पूर्वक किए गए कन्या पूजन से माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी करती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।